नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी एक बार फिर पहली बातें पर दोस्तों बात करने वाला हूं कि चालू है फिनाले का राउंड जहां पर एविक्शन हो गए हैं शुरू। हम सभी जानते हैं कि छठवें पोजीशन पे, जैसे कि हालांकि देखा जा रहा था वोटिंग ट्रेंड में कि सबसे कम वोटिंग जो मिला है वो मिला है आरओ को, तो वो हो चुके थे एविक्ट। वहीं कई सारे परफॉर्मेंसेस के बाद मौका मिला था एविक्शन का, जो कि आया एविक्शन एक ऐसे कंटेस्टेंट का जो सच में रियली शॉकिंग है, जिसका माना जा रहा था कि जिसकी जर्नी इतनी खूबसूरत थी, जिसने जिंदगी के सारे पहलुओं को बिग बॉस हाउस के अंदर जीता है, वो हो सकती थी विनर। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मानना था कि शिव और उनके बीच में हो सकती थी टक्कर, पर दोस्तों कहीं ना कहीं ये शॉकिंग है उनके फैंस के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए, जो उन जिन्होंने उनको वोट दिया था। दोस्तों चलो दोस्तों बता देता हूं आपको कि एविक्शन हो चुका है पांचवें नंबर पे किशोरी शाहणे का। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपकी एक एक तरीके से माना जाए कि वो बेहतरीन कंटेस्टेंट थी और सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको टॉप थ्री में एटलीस्ट तो जगह मिलेगी, पर कहीं ना कहीं वोट कम मिलने की वजह से वो पांचवे पोजीशन पे थी और हो चुकी हैं एविक्ट। दोस्तों चलो आगे देखते रहेंगे आखिर कौन होने वाला है घर से एविक्शन, जो बनेगा तीसरे और चौथे पोजीशन पे, और कौन बनेगा बिग बॉस मराठी सीजन 2 का फिनाले में विनर। दोस्तों और बहुत ही कम जल्दी, मतलब विद इन वन आवर आपके पास होगा मराठी सीजन 2 का विनर। आई होप जिसको आपने दिया है बहुत सारा वोट, ना हो कोई स्क्रिप्टेड शो और मिले आपको वही विनर जिसको आपने दिया है ढेर सारा वोट। चलो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अगला कंटेस्टेंट कौन हो चुका है एविक्ट।